9,666 लगभग 10,000 किसानों का 22 करोड़ रुपए की राशि माफ हो चुकी है। यदि पूरे प्रदेश में 77 करोड़, पूरे जिले में 77 करोड़ रुपए हुआ, सुनी मालवा अकेले में 22 करोड़, मतलब ये बहुत बड़ी तहसील है और सबसे अधिक राशि उसी तहसील में यहीं के किसानों की माफ हुई। अगली बात बता दूं कि ये योजना सतत प्रक्रिया भी है, 3 स्टेप से गुजर रही है, जो आपने फॉर्म भरा है उसके बैंक डेटा से मिलान किया जा रहा, उसके बाद वो डेटा कलेक्टर के लॉगिन पे आ रहा, वहां पर चेक हो रहा कि कोई त्रुटि ना हो, और उसके बाद क्लियर होके आप बैंकों पर राशि जा रही है। ये काम यहां रुकने वाला नहीं है, ये तो चल रहा है, आज जो डेटा है कल ही बदल के वो बढ़ जाता है, प्रोसेस चल रही है। ये प्रयास है सरकार का कि 5 तारीख के पहले, अभी हम लोग जब तक मान रहे हैं कि आचार संहिता का शायद नहीं लगे, पूरे 45,000 किसानों का कर्जा क्लियर हो जाएगा। ये 33,201 हुए हैं, उसके बाद जो गए थे लगभग 11,000-12,000, ये वो लोग हैं जिनके 2 या 3 खाते हैं, उनपे काम चल रहा है। 31 मार्च 2018 की स्थिति में जो भी किसान भाइयों का बकाया था, उस बकाया में से 2,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ होगा। अभी सबसे पहले सरकार ने जो पीए खाते हैं, मींस रेगुलर खाते जो आते थे, जो रेगुलर ऋण चुकाने वाले लोग थे, उसकी कैपिंग 50,000 रुपए में। तो यदि किसी किसान भाई का पीए का खाता अभी 50 से ज्यादा रहा होगा तो उसको 2nd लॉट में ले रहे हैं। तो ये चिंता ना करें कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया, वो कल आएगा। पहले पीए खाता 50,000 तक को सरकार ने दिया है पूरे प्रदेश में, और एनपीए जो थे, कालातीत था, डिफॉल्टर थे, उनका 2,00,000 तक का पूरा पैसा आ चुका। सरकार लगातार इसमें कोई भी किसान भाई जाके उस सूची को ग्राम पंचायत में पढ़ के देख सकता है कि मेरा नाम आ गया, पर जिसका नाम नहीं आया वो भी चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो प्रक्रिया में पता चला उस गांव के 100 लोगों ने फॉर्म भरा, अभी 50 लोगों का आया, उन 50 के खातों में भी पैसा आएगा। जो भी इस योजना का पात्र हितग्राही है हर एक के खाते में आएगा, वो प्रक्रिया में हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अभी आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। बड़ी स्पष्ट चीज है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, और आप सब लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि इस चीज को, इस योजना का लाभ लें। इसके बाद भी कहीं किसी स्तर पे कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई परेशानी हो, जिला स्तर पे भी टीम गठित है, यहाँ भी एसडीएम साहब के अध्यक्षता में टीम गठित है, कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान कराया जाएगा। बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। बहुत ही